क्राइम ब्रांच द्वारा पिछले दिनों एक धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा फर्जी शेल कंपनियां बनाकर केमिकल एक्सपोर्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। वहीं पूछताछ में पता चला कि अब तक यह 1 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है। बता दें, पिछले दिनों गुजरात की एक कंपनी द्वारा क्राइम ब्रांच को शिकायत कराई गई थी कि मोहित जैन नामक आरोपी द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। वहीं फरियादी द्वारा केमिकल एक्सपोर्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बता दें, पूरे मामले में मोहित जैन नामक आरोपी को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ में अब तक यह बात सामने आई है कि आरोपी मोहित जैन द्वारा 42 शेल कंपनियां बनाकर इस तरह की करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है। बता दें, क्राइम ब्रांच डीसीपी ने बताया कि आरोपी शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे और एक्सपोर्ट दिखाते थे। सरकार द्वारा जो इंसेंटिव किया जाता था उसे यह प्राप्त करते थे। पूरे मामले में आज जीएसटी टीम भी पहुंची थी, उन्हें भी इस बारे में जानकारी दी गई है। बता दें, आरोपी का एक साथी दुबई में रहता है, वह इसका सहयोग कर रहा था जो कैश के माध्यम से आरोपी को रुपए पहुंचाता तथा इस संबंध में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले एक गिरोह को पकड़ा था, किस प्रकार से उसके लिए एजेंसियों से बात की जा रही है? एक्सपोर्ट फ्रॉड करने वाले जो उसमें शेल कंपनियों के जो गिरोह पकड़ा गया है, उनके पास से लगभग 42 ऐसी कंपनियां मिली हैं जो फर्जी तरह से संचालित थी, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, और ये शेल कंपनियों के माध्यम से ये विभिन्न ट्रांजैक्शन करके एक्सपोर्ट दिखाते थे। और सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट के लिए जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उसको ये प्राप्त करके इस तरह से जो है फ्रॉड कर रहे थे। इसमें जो है जीएसटी की टीम भी आ जाई थी, उनसे भी जानकारियों का आदान प्रदान हुआ है। इसके व्यक्ति का एक साथी जो है वो दुबई में रहता है, जो इसके इसमें सहयोग कर रहा था, उसको ये कैश के माध्यम से उसको ये जो है पैसे पहुंचाता था। तो वो किस माध्यम से जाता था उसके संबंध में विवेचना चल रही है, और इसके संपूर्ण जो इसके इसने कितने फ्रॉड किया उसके संबंध में आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमें लगता है कि कम से कम 10 करोड़ का फ्रॉड जो है इसमें किया गया है, इसके संबंध में साक्ष्य उठाया जा रहा है।